हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर। सो गाइस आज बात करने वाले हैं यार हम पावर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। देखा गया काफी टाइम ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए पूछे गए हैं और इनका जो प्रोसेस है ना एक्चुअली में अगर इनको फंडामेंटल वे में सॉल्व करेंगे काफी लेंथी जाता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यू नो समथिंग टाइप का कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है और वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। सो व्हाट इज द बेहतरीन तरीका टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू नो वेरी शॉर्ट टाइम आप कैसे कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन को देख लो, एक लाइन की प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं है, लेकिन बेहतरीन कंसेप्ट है बॉस। यू नो अगर एक्चुअली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे ना बहुत लेंथी प्रोसेस होने वाला है, लेकिन उड़ा देंगे हम इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्या करना है सर, क्वेश्चन देख लो। उसने बोला एक पार्टिकल इज डिलीवर्ड कॉन्स्टेंट पावर, एक यू नो पार्टिकल इज डिलीवर्ड कॉन्स्टेंट पावर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये बताना है। अगर वो कॉन्स्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है तो उत्तरी अच्छा, जब भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए और वो बोले पावर है कॉन्स्टेंट, समझना पावर क्या बोल दिया उसने, कॉन्स्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछ रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हमें इसकी पावर नहीं पता होगी क्या होगी, लेट सी ए नहीं पता क्या है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा जब वो कॉन्स्टेंट पावर डिलीवर करेगा तो उस समय, ठीक है। तो यार देखो वैसे एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो पावर का फॉर्मूला होता है भाई, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, पता है आप सबको। तो ये कांस्टेंट है, फोर्स को आप लिखोगे एम इनटू ए, फिर ये अप्रोच मतलब यूज करोगे, दिस इज द एक्चुअल अप्रोच, बट हम ये अप्रोच यहाँ यूज नहीं करने वाले, बहुत टाइम लगेगा, इतने में तो हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड के आ जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो सर करेंगे क्या फिर, जो चीज कांस्टेंट की है ना उसने, जैसे उसने बोला पावर कांस्टेंट है, बस उसकी ना डायमेंशन लिख दो, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ पावर, मजा आ जाएगा बॉस। यू जस्ट यूज दिस कंसेप्ट, व्हाट इज दैट सर, पावर की डायमेंशन आप सबको पता क्या है, पावर की डायमेंशन पावर होती है वर्क अपॉन टाइम और वर्क की डायमेंशन होती है ML2 T माइनस 2, टाइम नीचे है तो पावर की डायमेंशन आपके पास आ गई ML2 T माइनस 3, ठीक है ना। यानी हम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी इच नहीं, नो लेंथी कैलकुलेशन एक्चुअली। तो सर अब क्या करेंगे, देखो पावर तो हो गई कॉन्स्टेंट, हाँ सर ठीक है, ये है मास और लेंथ का मतलब डिस्टेंस ही तो है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस है भाई, और टी मतलब टाइम है, तो यहां से निकाल लेंगे यार सर बिल्कुल। तो यहां से आप एल स्क्वायर निकालो, देखो ये मास भी कांस्टेंट, मास तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, पावर कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे पी बाई एम नीचे आएगा और टी की पावर नीचे माइनस थ्री आएगी, ठीक है, इधर बचेगा एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, देखो हमें टी के टर्म्स में चाहिए बाकी सब कांस्टेंट, इसको ऊपर लेके जाओ तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर मैं इनको कांस्टेंट मान रहा हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर थ्री, हमें एल चाहिए, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर थ्री बाई टू, यानी जो डिस्टेंस है वो एल, डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है ना, तो उसको आप एस लिख सकते हो टी की पावर थ्री, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजिली। बस ये ध्यान रखना बेहतरीन अप्रोच, यू जस्ट राइट डाउन द डायमेंशन और वहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो इस तरीके से आप फोड़ के आ सकते हो यार, डायमेंशन मेथड का यूज करके ना कि दिस अप्रोच अप्लाई करके। इसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी मैथमेटिकल बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसमें लेंथी प्रोसेस जाएगा और वो हमने फॉलो नहीं करना है, दिस इज द बेहतरीन अप्रोच, ओके। तो यार बढ़िया से आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, कंसेप्ट भी यूज करने हैं, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करनी है, सब कुछ आपको आना चाहिए, ओके गाइज एंड ऑल द बेस्ट।